हेलो एवरीबॉडी कैसे हो सब लोग आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड सुबह हम लोग मिले थे बेटा हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो हम बायोलॉजी चीट कोड सीरीज करें जिसमें हम उल्टे वे में एन 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 रिवाइज करें हम क्वेश्चन के थ्रू एनसीआर रिवाइज करें उसका हम सेल चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे तो अभी हम फटाफट फट से सेल साइकिल एंड सेल डिविजन भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी कौन सा टॉपिक कर लेंगे बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन सिर्फ सिर्फ बायोमोलिक्यूल रह जाएगा यूनिट थ्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम पहले ह्यूमन फिजियो शुरू कर लेंगे तो टेंशन मतलब हम पहले ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लेंगे फटाफट ठीक है उससे पहले सेल साइकिल सेल डिविजन इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल पूरा यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है

के अंदर डिवाइड होता है ना एक पेरेंटल से दो डॉटर सेल बनती है आपके पास आंसर क्या चला जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर अ सेल साइकिल सेकेंडेस ऑल द लिस्टेड इवेंट्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सी चीज सेल साइकिल में नहीं होती सेल की ग्रोथ होना डीएनए का रेप्लीकेशन होना ट्रांसक्रिप्शन होना या सेल डिवीजन होना बाकी सब होता है बेटा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सेल डिवीजन में नहीं आता ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सेल डिवीजन का हिस्सा नहीं है तो आंसर क्या होगा सी आंसर क्या होगा आपके पास सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको ये स्टेटमेंट दिख रही है तीन स्टेटमेंट आपको दे रखी है आपको बताना कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है रीड कर लो फटाफट -फट. जो सेल की ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाजमिक इंक्रीज इज अंटिजेंट प्रोसेस विच अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल बट अ contingent वर्ड यूज हुआ है और ये continuous प्रोसेस होता है contingent नहीं ठीक है थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए तो जो सेल ग्रोथ है वो कंटिंजेंट प्रोसेस नहीं है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी स्टेटमेंट टू देखो

ह्यूमन सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लेते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ये स्टेटमेंट यहां पर आपको दे रखे इनको रीड करना और करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर आपको बताना स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है फेज वेन एक्चुअल सेल डिजन आकर एम फेज में एक्चुअल सेल डिविजन होता है सही बात है रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर होगा डी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आंसर होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको मैच फॉलोइंग करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इन कॉलम्स में ठीक है बढ़िया सबसे पहले किसकी बात करी है जी जीवन फेज की बात करी है तो जीवन फेज के अंदर क्या होता है जीवन फेज के अंदर क्या हो रहा है तो मैक्सिमम प्रोटीन तो का जो सिंथेसिस होना है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए वो जी टू में होता है वो जी टू में होता है तो मैं इसको यहाँ से मैच कर देंगे फिर आ रहा है सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए डबल होगा डीएनए रेप्लीकेशन होगा डीएनए टू सी से फोर सी में चला जाएगा इसको आप सेकेंड से मैच कर दोगे और जो जी नोट है उसी को आप क्वीसेंट स्टेज बोलते हो जो जी नोट है आपके पास उसी को आप क्वीसेंट स्टेज बोलते हो तो आंसर बता दो तो बेटा क्या होगा आंसर <coughs> आंसर क्या क्या होगा होगा बी आपके पास बी आगे देखें क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ईस्ट सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है ड्यूरेशन क्या ईस्ट सेल के डिवीजन के बेटा नाइनटी मिनट्स ह्यूमन सेल ट्वेंटी फोर आवर्स ईस्ट को लगेगा नाइनटी मिनट्स सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक फेजेस बेसिक फेजेस की बात करें तो पूरी सेल साइकिल को बेसिकली आप दो फेज के अंदर डिवाइड करते हो कितने फेज में दो एक इंटरफेस एक एम फेज बेसिकली दो ही फेज आते हैं आपके पास है ना इंटरफेस और एम फेज आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ दर एंड लिस्टेड एज बेसिक फेस ऑफ सेल साइकिल अभी आपने देखा दो ही फेज बेसिक फेज में होते हैं एक इंटर फेस आता है दूसरा एम फेज आता है तो यहाँ पर आप इसको किस में मैच कर दोगे इंटरफेस उन में उनमें से एक यहाँ पर इंटरफेस आपको दिया हुआ है अच्छा द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच माइटोसिस सेल साइकिल का कौन सा जिसमें एक्चुअली माइटोसिस हो रहा है वही आपका एम फेस वही आपका एम फेस है आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर इलेवन द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस एक एम फेस और फिर दोबारा एम फेस आएगा उसके बीच में एक बार इंटरफेस आएगा बेटा उसके बीच में एक बार आपके पास इंटरफेज आएगा ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द टाइम स्पैन ऑफ इंटरफेस एंड एम फेस इन एन एवरेज ह्यूमन सेल साइकिल अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो नाइनटी फाइव परसेंट टाइम इंटरफेस ले जाता है तो इंटरफेस ट्वेंटी थ्री आवर्स में होगा ट्वेंटी थ्री आवर्स में होगा और एम फेज एक घंटे मिलेगा है ना तो ट्वेंटी थ्री आवर्स का इंटरफेस है एम फेज एक घंटे का होगा आंसर हो जाएगा आपके पास डी आंसर हो जाएगा आपके पास डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको करेक्ट सीक्वेंस क्या है सबसे पहले आता है जीवन फिर एस फिर G2 ये तीनों इंटरफेस है फिर M फेज आता है आपके पास तो आंसर क्या होगा डी आंसर क्या होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोसेस विच मार्क एज स्टार्ट एंड यूजली द एंड ऑफ एम फेज एम फेज में पूरा कैरियो हो, काइनेसिस होता है बेटा तो एम फेज का स्टार्ट आप कहाँ से मानते हैं डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म से नहीं साइटोकाइनेसिस की बात हम नहीं कर रहे साइटोकाइनेसिस की बात हम नहीं कर रहे है ना? जिसको आप कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हो वहां पे है ना? और एंड साइटोकाइनेसिस पे मानोगे एंड में कैरियोसिस कम्प्लीट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है ठीक है तो मोस्ट करेक्ट आंसर आप यहाँ पर सी ले लोगे मोस्ट करेक्ट आंसर आप यहाँ पर सी ले लोगे ठीक है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स

इसमें डीएनए ट नहीं करता ये है, क्योंकि वो में होता है।, इसमें है ये भी गलत हो गया ये काम एस फेज में होता है तो जीवन के लिए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा बी जीवन के लिए आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस ऑफ एम फेस इज ठीक है एम फेज के अंदर एकदम करेक्ट सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ साइटोकाइनेसिस पहले नहीं आता एंड में आता है पहले प्रोफेस आता है फिर एनाफेस नहीं आता प्रोफेस मेटाफेस फिर एनाफेस फिर टीलोफेस फिर साइटोकाइनेसिस तो ये भी गलत है ये भी गलत है ये सब तो एम फेज के अंदर आते ही नहीं तो आंसर क्या होगा नन ऑफ डीज आंसर क्या होगा ननोफेज बेटा साइटोकाइनेसिस 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 पहले 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 इसको करेक्ट करेक्ट मत मत मान लेना. मत मान लेना लेना को बाद में ही पहले प्रोफेस, फिर फिर एनाफेस, फिर फिर होगा फिर फिर साइटोकाइनसिसंबर ट्वेंटी वुड बी दी अमाउंट ऑफ डी एन ए सी एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एस फेज एस फेज कंप्लीट हो गया और इनिशियल आपको टू सी बताइए बेटा अगर पहले आपके पास डीएनए टू सी था

ट्रियल का डुप्लीकेशन, बेटा आपका डीएनए का डुप्लीकेशन, आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ये सब एस फेज में ही होता है तो एम फेज में नहीं जी टू में नहीं एस फेज में और जी नॉट में भी नहीं आंसर होगा एस फेज आंसर होगा एस फेज आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू

प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रियल डुप्लीकेशन सेंट्रियल डुप्लीकेशन जी टू में नहीं होता सेल की ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो डिवीजन भी आप प्रॉपरली एम फेस के लिए बोलते हो सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया ये सेंटेंस आप जी टू के लिए यूज करते हो कि सेल ग्रो कर रहा है और जितने भी प्रोटीन चाहिए उनका सिंथेसिस हो रहा है ट्वेंटी फोर देखो मिसमैच आपको बताना है कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सही बात है Interface, सबसे फेसॉलेट फेस है सेल साइकिल का ये ये गलत हो गया बेटा सबसे लार्ज फेस है सेल साइकिल का है ना ये स्मॉलेस्ट फेज नहीं है एम फेस को माइटोसिस फेस कहते हैं ये बात सही है आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा आपके पास सी ठीक है आगे देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल की इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है आपकी क्वीसेंट स्टेज इसको आप इनएक्टिव स्टेज बोलते हो <clears throat> कौन सी स्टेज इनएक्टिव होती है आपकी क्वीसेंट स्टेज इनएक्टिव होती है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर होता है पर प्रोलिफरेट नहीं कर रहा लेकिन हम इसको बोल देते हैं इनएक्टिव स्टेज जीवन तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है वैसे तो जी जीनोट भी एक्टिव है एस फेज भी एक्टिव है लेकिन फिर भी आप इनएक्टिव स्टेज क्वीसेंट स्टेज को बोलते हो ठीक है आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जी नॉट के बारे में जी नॉट को आप क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हो और ये जी टू के बाद स्टार्ट होती है नहीं आफ्टर जी टू नहीं बिफोर जी टू स्टेटमेंट गलत हो गया इसमें सेल अनएक्टिव रहते हैं एंड नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन बेटा एनसीआरटी की लाइन है कि जी नॉट में सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट वो प्रोलीफरेट नहीं कर रहे तो इनएक्टिव नहीं होते ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सेल्स ऑफ दिस स्टेज रिमेन इन एक्टिव स्टेट अब ये इनएक्टिव नहीं है ये अनएक्टिव नहीं है ये इन नहीं आएगा यहां पर इसका मतलब है कि वो एक्टिव रहते हैं दे रिमेन एक्टिव बट दे नो लॉन्गर अनलेस प्रोलिफरिट टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक डिवाइड नहीं करेगा सेल लेकिन एक्टिव स्टेट में लेकिन एक्टिव स्टेट में है ना सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव एंड प्रोलीफरेशन प्रोलिफरेशन इनमें नहीं होता आंसर क्या आ जाएगा सी बेटा मोस्ट करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या कह रहे हैं हमको हाउ मेनी क्रोमोसोम डस अनियन सोमैटिक सेल हैव अब ये आपने ट्वेल्थ का चैप्टर पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसमें भी आपने गेमिटोसाइट मियोसाइट पढ़े मियोसाइट सोमैटिक सेल हो जाएगा

एस में आप जाओगे DNA डबल हो जाएगा क्रोमोजोम अभी भी सेम रहेगा सिक्सटीन होंगे जी टू में आप जाओगे तो जी टू में तो सिक्सटीन है ही और एम फेज पूरा हो जाने के बाद फिर से क्रोमोजोम तो बेटा आपके पास सिक्सटीन ही रहेंगे लेकिन अब वन क्रोमेटेड के बने होंगे बस तो क्रोमोजोम के नंबर में पूरे टाइम चेंज नहीं आएगा माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिविजन है और क्रोमोजोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा आंसर होगा सी आंसर होगा सी आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन माइटोटिक डिवीजन की आप फिर से बात करो माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है बेटा याद रखना एनसीआरटी क्या बताती है एनिमल्स के लिए माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है

मैच द फॉलोइंग कॉलम आपके पास आ रहा है जीवन फेज एस फेज जी नोट फेज जी टू फेज ठीक है जी? है और ग्रो भी कर रहा है S phase में क्या हो रहा है? डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है जी नोट फेज में क्या हो रहा है सेल एक्टिव जरूर है पर प्रोलीफरेट नहीं कर रहा जी टू में क्या हो रहा है प्रोटीन का synthesis हो रहा है. तो आंसर क्या आएगा आपके पास फोर टू वन थ्री फोर टू वन थ्री ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एम फेज की आप फिर से बात करो एम फेज को आप मेटाफेज बोलते हो कैरियोकाइनेसिस मियोसिस ए एंड बी बोथ देखो एम फेज मेटाफेज को नहीं बोलते पूरा का पूरा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करे उसको आप एम फेज बोलते हो तो एम फेज एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है कैरियोकाइनेसिस को किसको रिप्रेजेंट करता है कैरियोकाइनेसिस को ठीक है तो आंसर क्या होगा आपके पास सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड सेल साइकिल का कौन सा होता है सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ हो रहा है है ना कभी स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है प्लेट बन रही है सेपरेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा ड्रामा होता है आपके एम फेज के अंदर ड्रामेटिक फेज आपके पास कौन सा होता है एम फेज होता है कौन सा होता है एम फेज होता, होता, होता है ठीक है जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इक्वेशनल डिविजन इक्वेशनल डिविजन कभी मियोसिस में नहीं होगा वो रिडक्शनल डिविजन होता है माइटोसिस में होगा इसमें नंबर ऑफ सेल क्रोमोजोम इन पेरेंट एंड प्रोजेक्ट नी सेम बिल्कुल जितना पेरेंट में क्रोमोसोम उतना प्रोजिनी में इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं आंसर डी हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फिर से आप कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हो माइटोसिस के टाइम माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस यानी एम फेज की बात हो रही है एम फेज में कितनी स्टेजेस होती हैं चार स्टेजेस होती हैं मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज और मेटाफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज चार होती हैं आपके पास फोर आगे देखो 35 आपको ऑर्डर बताना है माइटोटिक डिवीजन का

सही बात है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही बात है है आगे देखो क्वेश्चन नंबर के टाइम इनमें से क्या होता क्रोमोसोम का होता है, होता है। क्रोमोजोम मटीरियल टाइंगल होते हैं नहीं डी टैंगल होते हैं जो गुच्छा बना हुआ था आपके पास क्रोमेटिन का वो डी टाइंगल होगा उससे उसमें क्रोमोजोम बनेगा उससे क्रोमोजोम बनेगा सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन जो होना था एस फेज में हो गया था बेटा प्रोफेज में नहीं होता ये दोनों सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाते हैं नहीं दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं जिनका डुप्लीकेशन हुआ था तो दोनों दोनों पोल पे आएंगे वो अपना अब नया स्पिंडल फाइबर बनाएंगे करेक्ट करेक्ट पर पर ए ए हो हो जाएगा करेक्ट पर हो जाएगा बढ़िया आगे देखो थर्टी एथ क्वेश्चन आपको इन करेक्ट बताना है याद रखना आपको इन करेक्ट बताना है जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं आपके पास अच्छा बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टू अपोजिट पोल्स ये प्रोफेज में होता है क्रोमोसोम्स का अपोजिट की तरफ जाना प्रोफेज़ में में नहीं होता में होता है ये इनकरेक्ट दो, एस्टर, है, है से दो एस्टर्स और स्पिंडल मिलकर माइटोटिक हैं स्पिंडल से अटैचमेंट होना स्पिंडल की अटैचमेंट होना से मेटाफेज में होती है बिल्कुल मेटाफेज का फीचर है बिल्कुल मेटाफेज का फीचर है क्रोमोजोमूव टू अपोजिट पोल्स इन मेटाफेस नहीं बेटा क्रोमोजोम डज नॉट मूव टू मूव टू अपोजिट पोल्स इन मेटाफेस मेटाफेम्स अरेजड इन इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेस एना में वो अपोजिट uh, पोल्स पे जाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ क्रोमोजोम नहीं आना चाहिए था ये भी गलत है मोर देन वन आंसर इज करेक्ट अब इसमें अब इसमें मोर देन वन आंसर इज करेक्ट ए भी करेक्ट है डी भी करेक्ट है ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, दोनों करेक्ट है। अच्छा, ये भी इनकरेक्ट है आपके पास और ये भी इन करेक्ट है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन माइटोटिक पैरेटस अभी देखा आपने माइटोटिक पैरेटस तो क्या होता है दो एस्टर और स्पिंडल तो आंसर देख लो दो एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक पैरेटस बनाते हैं आंसर सी होगा ठीक है जी आगे देखो फोर्टी इनमें से कितने स्ट्रक्चर हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व व्हेन सेल इज व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप एट दी एंड ऑफ प्रॉफिस तो आपको कुल मिलाकर बताना है प्रोफिस खत्म हो गया अब आपको क्या क्या दिखेगा एनसीआरटी का स्टेटमेंट है बेटा कि जब प्रोफिस खत्म होता है तो गोल्गी बॉडी ई आर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप सब टूट चुका होता है आपको नहीं दिखाई देता तो गोल्गी बॉडी ई आर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप ये सब ब्रेक हो चुका है अगर प्रोफेस खत्म हो गया तो ये सब आपको नहीं दिखाई देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैं आपको आपको क्या दिखाई 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 देगा देगा तो देगा, तो जी ये दे सकता है हैं, दोनों तरफ वो स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं वो आपको दिख सकता है लेकिन और कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा तो आंसर क्या होगा वन आंसर क्या होगा वन आगे देखो हाउ डू द्रोमोजोम अपियर ड्यूरिंग प्रोफेस ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस

दो क्रोमेटिड हैं जो एक से पे जुड़े हुए और D हैं और डी ऑप्शन के धागों की तरह दिखाई देंगे नहीं हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा इसका आपके पास बी आंसर क्या आएगा इसका आपके पास बी ठीक है दो क्रोमेटेड के बने हुए जो एस्टर्स की आप बात कर जो प्रोफेस के टाइम बनते हैं वो किसके बने हुए हैं माइक्रोट्यूल्स के बिल्कुल

बट दे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम बोलते तब भी ठीक रहता फिर तो आंसर नन ऑफ दीज जाना चाहिए नन ऑफ कंफ्यूजिंग था यहाँ पर आपके पास सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम लिखना चाहिए था आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री वट वि वुड इंडिकेट अर्ली प्रोफिस एंड लेट प्रोफिस इन एनिमल सेल अर्ली प्रोफिस और लेट प्रोफिस आपको बताना है ठीक है अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लेकिन बाद में ये दोनों हो जाते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं लास्ट में जाके अर्ली में क्रोमोसोम कंडेंस है बाद में कंडेंसेशन नहीं है ये गलत हो गया पहले कंडेंसेशन नहीं होती बाद में होती है बाद में जाकर बनती है यहां पर कह रहे न्यूक्लियोलस है और सेंट्रोसोम है यहां पर कह रहे न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोमियर आर एबसेंट सेंट्रोसोम बाद में भी रहता है वो वो खत्म नहीं होता है ना

दो स्टेजेस आपको दिखाई दिखाइए आपको आइडेंटिफाई करनी है दो स्टेजेस आपको दिखाई आपको आइडेंटिफाई करनी है 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 ये आपके आपके पास है, आपके पास बेटा अर्ली प्रोफेस प्रोफेस लेट पर देखो धागे क्रोमेटिन के कंडेंस हो चुके हैं और ये न्यूक्लियर मेमरी देखो टूट रही है डिस इंटीग्रेट कर रही है जब मैं डायग्राम्स जब आपको बताए थे बेटा बिटवीन एनसीआरटी लाइन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था जब आपको ये मेमरी डिसइंटिग्रेट करती दिखाई देना मतलब प्रोफेस है मतलब प्रोफेस है ठीक है प्रोफेस खत्म हो गया तो वन आपके पास अर्ली प्रोफेस है टू आपके पास लेट प्रोफेस है आंसर बी होगा आंसर आपके पास बी होगा ठीक है आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द कंप्लीट डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मार्क्स द स्टार्ट ऑफ पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवल डिस इंटीग्रेट हो चुका है तो किसका स्टार्ट हो रहा है लेट प्रोफेस का स्टार्ट नहीं हो सकता लेट प्रोफेस के स्टार्ट में डिसंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा लेट प्रोफेस के खत्म होने पर डिस इंटीग्रेशन खत्म होता है जैसे ही डिस इंटीग्रेशन खत्म होता है स्टार्ट क्या होता है मेटाफेज ये किसको मार्क करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज डायरेक्टली एनसीआरटी के लाइन में

बी क्या है मेटाफेज ट्रांजिशन टू मेटाफेज नहीं है ट्रांजिशन टू मेटाफेज में कभी भी इक्वेटोरियल प्लेट पूरी बनी नहीं होती ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होते हैं काइनेटोकोर से लेकिन कोई यहां है कोई यहां है प्लेट नहीं बनती प्लेट बन गई ना इसका मतलब बेटा ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज नहीं है ये कंप्लीट मेटाफेज है तो वन आपके पास लेट प्रोफेज हो गया टू आपके पास मेटाफेज हो गया आपका आंसर डी आएगा आपका आंसर डी आएगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन सेवन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज बेस्ट टू स्टडी द क्रोमोजोम मोर्फोलॉजी बेटा याद करना कभी क्रोमोजोम की आपको बाहर से मोर्फोलॉजी देखनी हो तो वो देखी जाती है मेटाफेज में कभी आपको एनाटॉमी देखनी हो तो वो देखी जाती है एनाफेज में ए से एनाटॉमी ए से एनाफेज एम से मोर्फोलॉजी एम से मेटाफेज याद रखना इसको ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है लेट प्रोसेस में जाकर कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो ये वो स्टेज है जिसमें सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करेंगे नहीं वो तो एस फेज होता है ये वो स्टेज है जिसमें डीएनए डबल होता है नहीं वो तो एस फेज है ये वो स्टेज होता है जिसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है नहीं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं डिसइंटीग्रेशन ये वो स्टेज है जिसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप का होता है हाँ जी बिल्कुल आंसर डी होगा आंसर होगा एक बार आपने एनसीआर से रीड किया ना बेटा तो फिर बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन आगे देखो आपसे के के बारे में पूछा जा रहा है मेटाफेस के क्रोमोसों, एक क्रोमोसों दो क्रोमेटेड का बना होता है और प्लेट पर अरेंज होता है प्लेट पर अरेंज होते हैं ठीक है जो दो क्रोमेटेड एक साथ टू नॉन सिस्टर बाय सेंट्रोमियर नहीं फोर सिस्टर क्रोमेटेड नहीं होते दो होते हैं तो फोर वाले ऑप्शन तो हटा दो दो सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं आंसर सी होगा आंसर सी होगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी काइनेटोकोर्स की बात हो रही है काइनेटोकोर क्या है क्या ये प्रीकर्सर है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिल्कुल भी नहीं ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनाते वो आपके सेंट्रियोल से बनेंगे ठीक है दे आर साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर बिल्कुल सही बात है आपके सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है है ये सही बात है। क्या यहाँ से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करेंगे बिल्कुल नहीं ये स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो टीलोमियर पे होते हैं नहीं सेंट्रोमियर पे होते हैं ये टीलोमियर पे नहीं होते ये सेंट्रोमियर पे होते हैं आंसर आपके पास बी होगा आंसर आपके पास बी होगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन मेटाफेस इज कैरेक्टराइज बाई मेटाफेज में क्या होता है सम क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट पोल नहीं इक्वेटर पे आते आतेमोजोम पोल पे नहीं वन क्रोमेटेड ईच क्रोमोजोम इज कनेक्टेड बाई इट्सियर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाई इट्स सेंट्रोमियर टू स्पिडल फाइबर फ्रॉम वन पोल वन पोल दोनों पोल से दोनों क्रोमेटेड दोनों अलग अलग पोल से एसोसिएटेड हैं तो ये भी नहीं होगा सिस्टर कनेक्टेड इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर पहली बात यहाँ सेंट्रोमियर भी नहीं काइनेटो को सिस्टर क्रोमेटेड काइनेटो कोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं वो भी अपोजिट पोल्स में ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ये स्टेटमेंट आपके पास एकदम करेक्ट है और आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा सी आंसर क्या होगा आपके पास सी आगे देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ये स्टेज पहचानो देखो इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स अपना होमोलोगस uh, क्रोमोजोम्स है सॉरी uh, दो सिस्टर क्रोमेटे वाले क्रोमोजोम्स है क्रोमोजोम पूरा कंडेंस हो चुके हैं और स्पिंडल फाइबर इनसे एसोसिएटेड है यानी ये मेटाफेज है बेटा यानी ये मेटाफेज है अब मेटाफेज मेटाफेज में ये क्या है है प्रॉपर या ट्रांजिशन टू मेटाफेज मेटाफेज है प्रॉपर ये तब होता है जब पूरा इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आते हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है ये आपके पास ट्रांजिशन टू मेटाफेज है आंसर क्या होगा ए आंसर क्या होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी जब होता है तो chromosome किस में split करता है तो करता दो chromatids में है ना वन क्रोमेटेड फोर डॉट क्रोमेटेड टू डॉट क्रोमोजोम्स ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा टू डॉट क्रोमोसोम अब वो जो दो क्रोमेटेड बने वो अपने अपने क्रोमोसोम्स ही हैं तो आंसर सी होगा आंसर सी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर आपके आप क्रोमोजोम को तो दोनों सेंट्रोमियर ये देख रहे हो यहाँ पे बेटा ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये एक सेंट्रोमियर है ये दूसरा सेंट्रोमियर है तो सेंट्रोमियर किसकी तरफ है पोल की तरफ है ये बात सही है ये बात आपके पास सही है फिर क्या कह रहे हैं सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटर नहीं पोल दोनों की तरफ है क्रोमेटेड सेपरेट करते हैं है, है. है क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है ये करेक्ट है ये करेक्ट है तो मुझे बताओ कौन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर सेकेंड भी करेक्ट है और फिफ्थ भी करेक्ट है आंसर आपके पास बी होगा आंसर आपके पास बी होगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्वेश्चन नंबर 55 ठीक है स्टेज पहचानो कौन सी है अब सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुके क्रोमेटेड दोनों पोल्स पर आ गए यानी एनाफेज है ये किसकी मार्किंग करता है एनाफेज की मार्किंग करता है ठीक है आगे देखें क्वेश्चन नंबर 56 किसकी बात हो रही है जी किसकी बात हो रही है टेलोफेज की बात हो रही है टेलोफेज में क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स अच्छा टीलो में में वापस क्लस्टर करते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स ठीक है ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं टीलोफेज में सही बात है क्रोमोजोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं वापस क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं सही बात है प्रोफेस का रिवर्स है बिल्कुल एक एक चीज प्रोफेस रिवर्स है इसमें न्यूक्लियोलस दोबारा नहीं बनता गलत बात है बेटा न्यूक्लियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्रेन गॉल्गी बॉडी सब दोबारा बनता है तो टीलो फेज में चार ऑप्शन यहां पर आपके पास करेक्ट आ रहे हैं वन टू थ्री फोर है ना वन टू थ्री फोर अब क्या करेंगे आप इसमें आंसर आपसे क्या आप पूछा अच्छा आपसे इनकरेक्ट पूछा आपसे अरे 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 आपसे क्या पूछे पूछा है। तो चार स्टेटमेंट करेक्ट है एक ही गलत है तो आंसर आपके पास सिर्फ फिफ्थ ही गलत है मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को उसको बोलते हो जैसे एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है ना उसका लिक्विड एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिविजन से बना है बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो फिर वहां पर सेलुलर uh, डिविजन के बाद वाला मतलब उसमें न्यूक्लियर डिविजन के बाद सेल्यूलर डिवीजन हो चुका है तो वो सेल्यूलर है पर एंडोस्फॉम मल्टी होता है सेल प्लेट ये प्लांट में बनती है साइटोकाइनेसिस के टाइम सेल फॉर एनिमल्स इसके थ्रू साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या है टू थ्री और वन ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है इधर नहीं मिल रहा इधर मिल रहा है आंसर होगा बी आंसर होगा बी आगे देखो 58 सेल प्लेट की बात हो रही है सेल प्लेट साइटोप्लाज डिवीजन के टाइम प्लांट सेल के अंदर डिविजन uh, uh, करने में मदद करता है साइटोकाइनेसिस करने में मदद करता है और यही बनाता है प्लांट का मिडिल एमेला यही बनाता है प्लांट का मिडिल एमेला आंसर होगा बी आंसर होगा आपके पास बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी माइटोसिस की बात हो रही है माइटोसिस से क्या होता है माइटोसिस रिजल्ट हेप्लॉइड डोट सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट माइटोसिस में पहली बात

Genetic variability increase karega, chromosome number restore karega ensure the production of haploid phase. It ensures the production of diploid phase, not haploid phase. वैसे अगर आप यूं देखो कि ठीक है मियोसिस में हैप्लॉयड फेस बनता है ना अच्छा ठीक है ठीक है सही बात है सही बात है इसको वैसे ले लो इसको वैसे ले लो कि आपका मियोसिस है, मियोसिस होगा गैमेट्स बनेंगे तो हैप्लॉइड फेस बनेगा सही बात है फाइनली डिप्लोइडी रिस्टोर जरूर करता है सेम आपका एप्लोइडी रिस्टोर करता है पर बनाता तो हैप्लोइड फेस है ठीक है तो सेल रिपेयर यहाँ पर आपके पास वन आउट हो जाएगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द ग्रोथ इन प्लांट इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्लांट की ग्रोथ में कौन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एपिकल मेरिस्टेम

द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स आर बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेसिक डिविजन इन सबको रिप्लेस करने का काम करता है बिल्कुल सही बात है ऑप्शन सी देखो अच्छा आपको दो ही स्टेटमेंट दे रखे हैं क्या दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि करेक्ट है या नहीं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर सी होगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आंसर सी होगा मियोसिस रिजल्ट इन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मियोसिस रिजल्ट इन मियोसिस से गैमेट बनते हैं बनते हैं Meiosis से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं सही बात है मियोसिस से वेरिएशन आता है सही बात है आंसर ऑल ऑफ नहीं सोचा बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही है मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ डैश फेज इन दी लाइफ साइकिल ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डैश फेज तो हमने अभी वहां पर भी देखा था ना यही चीज मियोसिस से गैमेट बनते हैं तो मियोसिस कौन सा फेज ला, ला रहा है और उस हेप्लॉइड फेज में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाएगा तो डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड रिस्पेक्टिवलीप्लॉयड एंड डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली फिर देखो सिक्सटी फाइव आपको पता ना इनमें से कौन सा करेक्ट है

पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स होगी बिल्कुल होगी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होती है इसके अंदर होती है अब करेक्ट आपको बताना है तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स अच्छा ठीक है तो ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा क्योंकि एस फेज में क्रोमोजोम्स डबल नहीं होते डीएनए डबल होता है क्रोमोजोम्स डबल नहीं होते डीएनए डबल होता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी ठीक है आगे देखो सिक्सटी सिक्स एट द एंड ऑफ मियोसिस टू हो गया कितने हेप्लॉइड सेल बनते हैं बेटा मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है चार डॉटर सेल में चार हेप्लॉयड डॉटर सेल बनाता है आंसर होगा डी माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती है दो मियोसिस में कितने बनते हैं चार ठीक है जी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन रिकॉम्बिनेशन किस किस के बीच में होता है मैंने अभी आपको बताया ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आंसर होगा डी आंसर होगा डी मियोसिस में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है मियोसिस का सबसे बड़ा फेज बेटा होता है प्रोफेस वन होता है लॉन्गेस्ट फेज है ये आपके पास ठीक है प्रोफेस वन आगे देखेंगे ड्यूरिंग विच ऑफ गिवन फेजेस एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर आप दो तरीके की मियोसिस पढ़ते हो मियोसिस वन मियोसिस टू डिजन सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज में होता है एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज टू में सिस्टर सिस्टोक्रोमेटेड सेपरेट होते हैं आपसे क्या पूछा होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं कब सेपरेट होते हैं एनाफेज वन में अगर बोलते हैं सिस्टोक्रोमेटेड सेपरेट होते हैं तो आंसर क्या होता है एनाफेज टू याद रखना इसको आंसर क्या हो जाएगा यहां पे सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी प्रोफेज वन मियोसिस में जो है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर प्रोफेज वन में क्या क्या आता है लेप्टोटीन जाइगोटीन

अच्छा उससे पहले एक और है दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज नहीं बेटा दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग जयगोटीन साइनेप्सिस होना पेयरिंग होना ये जयगोटीन के टाइम ही बनते हैं पैकेटीन के टाइम नहीं बनते मोर क्लियरली विजिबल एट जाइगोटीन अब वैसे तो जायगोटीन में ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल

चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लेप्टोटीन लेप्टोटीन इट इज द फोरमोस्ट एंड शॉर्ट लिफ्ट स्टेज ऑफ प्रोफेसर एनसीआरटी बताती है हमें लेप्टोटीन भी और जाइगोटीन भी दोनों बहुत शॉर्ट लिफ्ट होती है ठीक है लेकिन क्या ये फोरमोस्ट मतलब बहुत असेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है लेप्टोटीन ऐसा नहीं है तो फोरमोस्ट वर्ड में थोड़ा बहुत है कंफ्यूजन शॉर्ट लिफ्ट जरूर है आगे देखो इट बिगिन वेन द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज अकम्प्लिश नहीं बेटा ऐसा नहीं है कि पहले कंडेंसेशन पूरा हो जाएगा कंपैक्शन हो जाएगा फिर लेप्टोटीन शुरू होगा नहीं वो इस प्रोसेस में चलता रहता है लेप्टोटीन के साथ साथ क्रोमोजोम का कंपैक्ट होना कंडेंस होना चलता रहता है और लेफ्टोटीन के एंड पे वो खत्म हो जाता है ठीक है अच्छा क्रोमोजोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप क्रोमोजोम विजिबल हो जाएंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है ठीक है इट इज फॉलोड बाय जयोटी लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है ये स्टेज भी ठीक है ये सेंटेंस भी ठीक है तो आपके पास क्या क्या करेक्ट हो गया ये आपके पास गलत है दो ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं थ्री एंड फोर तो आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर क्या हो जाएगा सी थ्री एंड फोर करेक्ट दिख रहे हैं है ना आंसर क्या हो जाएगा सी आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्सोटीन इज करेक्टराइज बाय अब आप जायोटीन की बात करो जायोटी में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है होती है नॉन होमोलोगस की होती है नहीं होमोलोगस की होती है साइनेप्सिस होता है नॉन होमोलोगस के बीच में नहीं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सही बात है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है नॉन होमोलोगस के बीच में नहीं होमोलोगस के बीच में बनता है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा फर्स्ट और फोर्थ आपके पास करेक्ट है तो आंसर आपके पास आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा सी बाईवेलेंट स्टेज फिर से बाईवेलेंट स्टेज पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है है ना ये दोनों क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होने के बाद आपको यह बाईवेंट स्टेज देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्स बाय पेयर ऑफ होमोलोगस सही बात है होमोलोगस नहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय फोर पेयर ऑफ होमोलोगस होमोलोग नहीं एक पेयर एक पेयर से बाइवेलेंट बनता है फोर पेयर नहीं फोर पेयर ऑफ साइनेब्स नॉन होमोलोग होमोलोगस क्रोमोजोम बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा ए आंसर होगा आपके पास ए चार नहीं बेटा एक पेयर है एक पेयर है ठीक है आगे देखो सेवेंटी एट

क्या आपका पैकेटीन लेप्टोटीन से शॉर्ट लिफ्ट है नहीं इट इज नॉट शॉर्ट लिफ्ट देन लेप्टोटीन इट इज लॉन्ग लिफ्ट देन लेप्टोटीन शॉर्ट लिफ्ड एंड जाइगोटीन नहीं इट इज लॉन्ग लिफ्ट देन बोथ लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन दोनों से बड़ा है ये तो आंसर क्या आएगा आपके पास ए आंसर क्या आएगा आपके पास ए आगे देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इज रेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बिल्कुल क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहां बनता है जहां क्रॉसिंग ओवर होगा बिल्कुल सही बात है दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है डी क्यों इनकरेक्ट है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिप्लोटीन में नहीं बनता पैकेटीन में बनता है पैकेटीन में बनता है बेटा अभी तो हम उसी के बारे में बात करें ना पैकेटीन के बारे में बात करें अच्छा फिर देखो गिवन बिलो आर स्टेटमेंट वन टू सिक्स आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको देखना है कौन सा करेक्ट है ठीक है अच्छा क्रॉसिंग ओवर के बारे में है ये है है ना नहीं एक बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की जरूरत होती है रिकॉम्बिनेस एंजाइम इन्वॉल्व जी हां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा बिल्कुल बनेगा और वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होगा इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं होमोलोगस क्रोमोजोम आपके पास आंसर होगा डी आंसर होगा डी आगे देखिए डिप्लोटीन इज नॉट कैरेक्टराइज बाय। डिप्लोटीन में क्या नहीं होता डिप्लोटीन में हो जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगे टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्टेड साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये दो बार गलती से लिख दिया बेटा तो जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ के हर जगह से वो सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल होते हैं जहां पर वो सेपरेट नहीं होते वहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर का माता बनता है बनता है पहली बात जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो दो नॉन होमोलोगस के बीच में हुआ ही नहीं यही इनकरेक्ट है क्योंकि होमोलोगस के बीच में होता है होमोलोगस के बीच में होता है आंसर होगा डी कायजमाटा क्या है कायजमाटा एक एक्सेप स्ट्रक्चर है, है। ये कैसे बना है फोर्म्ड बाई रिकम्बाइंड क्रोमोजोम टू बी सेपरेटेड रिकॉम्बिनेशन हो गया पर सेपरेट नहीं हुए वहां पर कायसमैटा बनता है यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है बिल्कुल सही बात है आंसर डी होगा चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर डी होगा आगे देखो विच स्टेज ऑफ मियोसिस वन लास्ट फोर मंथस और ईयर इन वर्टिब्रेट अगर हम फीमेल ह्यूमन फीमेल्स की बात करें वर्टिब्रेट्स की बात करें तो अब क्या है जितना भी ओगोनियम से ऊ बनना है प्राइमरी ऊसाइट बनना है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिसाइड हो जाता है अब वो अपना म्यूसिस वन शुरू करते हैं बट उसके प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में अरेस्ट होकर रह जाते हैं और फिर प्यूबर्टी आने पर ये म्यूसिस वन कंप्लीट होता है तो कौन सी स्टेज है म्यूसिस वन की जिसमें ऊ आपका अरेस्ट रहता है डिप्लोटीन कौन सी स्टेज में अरेस्ट रहता है डिप्लोटीन अच्छा फिर किसकी बात हो रही है डायाकाइनिस एकदम लास्ट स्टेज जिसमें क्या होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइसमाटा बिल्कुल क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं बढ़िया से कंडेंस हो चुके हैं मियोटिक स्पिंडल असेंब स्पिंडल असेंबल हो चुका है ऑल ऑफ दिस बढ़िया ये जो मियोटिक स्पिंडल असेंबल हुआ है ये असेंबल कर कर क्या बनाता है क्या बनाता है क्या ये बनाता है, ये बनाता है आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं ठीक है मायोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन स्पिंडल असेंबल हुए तो से जुड़े हैं क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो कि अभी आगे जाकर आपको होमोलोगस होमोलोग की सेपरेशन करनी है वैसे तो की भी की फॉर्मेशन फॉर्मेशन भी भी होगी होगी बट ये प्रिपेयर नहीं कर रहे ना एस्टर की फॉर्मेशन वो तो हो रहा है म्यूटिक्स स्पिंडल असेंबली के टाइम वो प्रिपेयर क्या कर रहे हैं कि अब होमोलोगस क्रोमोजोम की सेपरेशन करनी है तो यही ज्यादा करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा एस्टेरिस में नहीं लेना चाहिए हमें ठीक है फिर देखो क्वेश्चन नंबर एटी मैच करना है आपको दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं लेप्टोटीन लेप्टोटीन में क्या होता है जी लेप्टोटीन में क्या होता है जी लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का ए जाइकोटीन में क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है ई e. इसके आगे मैं ई e लिख रही हूं ठीक है पैकीटीन में क्या होता है पैकीटीन में पैकीटीन में पैकीटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन होता है डायकाइनेसिस में क्या होता है डायाकाइनेसिस में क्या होता है हर जगह से सेपरेशन हो जाता है क्रॉस ओवर को छोड़ के और डिप्लोटीन में क्या होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइसमेटा तो आंसर क्या होगा आपके पास ए डी 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 अच्छा डायकाइनेसिस और डिप्लोटीन उल्टा लिखा हुआ है डायकाइनेसिस और डिप्लोटीन उल्टा लिखा हुआ है बेटा डिप्लोटीन के अंदर आपका काइस्मेटा बनता है हर जगह से सेपरेशन होता है क्रॉस ओवर को छोड़ के डायासिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा होता है तो आंसर आपके पास क्या होगा यहाँ पे आंसर आपके पास क्या होगा ए ए ई डी सी बी मैंने अपनी मर्जी से उसको डिप्लोटीन पढ़ लिया था ऐसी गलती आप मत करना कोई और ऑप्शन होता तो हम गलती कर देते हैं यहाँ पे ऑप्शन ही एक था खैर तो गलती पकड़ी गई है ना आगे देखो कभी कभी भगवान अच्छा भी कर देते हैं ऐसा भी हो जाता है कि हम गलत रीड करके भी सिली मिस्टेक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि ही एक होमोलोगसोम मतलब एक साथ यहां पर दिख रहे क्रोमोजोम दो क्रोमेटेड का बना, का बना का हुआ है एक क्रोमोजोम दो क्रोमेटेड का बना हुआ है होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ है इसमें किसका सेपरेशन हुआ है होमोलोगस का सिस्टर क्रोमेटेड अभी भी एसोसिएटेड हैं अभी भी एसोसिएटेड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टिक्रोमेटेट दोनों सेपरेट हुए है? नहीं स्पिंडल जो है काइनेटोकोर से अटैच करती के बाद आती है, नहीं, ये के बाद आती है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए आंसर क्या हो जाएगा ए बढ़िया क्वेश्चन था और ये क्या है आपके पास ये एनाफेज वन है ये आपके पास वन है। आगे देखो एटी नाइन स्पिंडल इन स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स के किस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैचमेंट होती है मेटाफेज वन में और अगर आपसे बोला जाता काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स तो आप क्या बोलते हैं मेटाफेज टू क्रोमोसोम बोला है तो आंसर क्या होगा मेटाफेज वन ठीक है अच्छा अब आपको स्टेज आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पर आपको क्या दे रखा है ए बी आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं दो डायग्राम्स दे रखे हैं देखो बेटा दोनों दोनों है दो एना फेस है एक में जो आपको सेपरेशन दिख रहा है वो होमोलोगस होमोलोगसमोजोम का दिख रहा है ये दो सिस्टर क्रोमेटेड का बना हुआ है देखो ये दो सिस्टर क्रोमेटेट है एक और एक दो सिस्टर क्रोमेटेड है इसको मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक सिस्टर क्रोमेटेड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटेड ये एक सिस्टर क्रोमेटेड ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटेड देखो तो दो सिस्टर सिस्टरक्रोमेटेट होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है।, है ये एनाफेज वन है इसमें सिस्टर सिस्टरक्रोमेटेट सेपरेट हुए ये एनाफेज टू है तो आंसर क्या होगा ए आंसर क्या होगा आपके पास ए ठीक है उसके बाद देखो जरा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ सेल आर इन मियोसिस दो स्टेज में होता है मियोसिस 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 वन वन टू जब कंप्लीट होता है तो दो सेल बनते हैं डायट बोलते हैं उसको तो डायट आपको कब मिलेगा वन के बाद और जब मियोसिस टू हो जाएगा तो चार सेल्स मिलेंगे आपको ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू मियोसिस टू इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर वन के बाद क्या सीधा मियोसिस टू शुरू होता है नहीं बीच में एक इंटरकाइनेसिस आती है क्या प्रोफेज के बाद होता है नहीं साइटोकाइनेसिस िसन जब कंप्लीट हो जाती है हाँ सेल डिविजन साइटोकाइनेसिस वन कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा आएगा फिर मियोसिस्टू शुरू होगा अच्छा कब शुरू होता है जब क्रोमोजोम फुल्ली एलोंगेट हो चुके होते हैं नहीं कंडेंसेशन पूरा एलोंगेट होने का वेट ही नहीं किया जाता पूरा एलोंगेट हो गया तो दोबारा सारा काम करना पड़ेगा है ना उससे पहले पहले मियोसिस्टू स्टार्ट होता है तो आंसर क्या आएगा आपके पास साइटोकाइनेसिस वन आंसर क्या आएगा आपके पास साइटोकाइनेसिस वन

तो एक सेल में चार क्रोमेटेड थे और आपको पता है, है तो थे। मतलब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो चुकी हुई थी तो टोटल मतलब, दो रहे चार वाले और जब इनका दो ही क्रोमेटेड आए होंगे हाफ हो गया होगा क्योंकि यहां पर अब प्रोमेटेड सेपरेट हो जाते हैं सेपरेट होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमेटेट हाफ हो चुके होंगे अब दो ही रह गए होंगे बढ़िया क्वेश्चन था ना अगर आपको पता था इस बात का मियोसिस

मिसमैच यही है आपका और वो भी क्यों गलत है क्योंकि नॉन सिस्टर नहीं सिस्टर क्रोमेटेड्स नॉन सिस्टर नहीं सिस्टर क्रोमेटेड्स ठीक है जी आगे देखो क्रोमेटिड का मूवमेंट अपोजिट पोल्स की तरफ इज अचीव्ड बाय इज अचीव्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू सेंट्रोमियर बिल्कुल वो शॉर्टन होंगे तभी दोनों उस तरफ से पुल किए जाएंगे ठीक है शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काटोकोर सेंट्रोम नहीं काटोकोर का दोनों क्रोमीटर डायरेक्शन में पुल किए जाएंगे तो आपके पास एलोंगेशन नहीं होगा एलोंगेशन नहीं होगा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव अक्रोस जनरेशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम इज डन बाई क्रोमोजोम नंबर मेंटेन करके रखना क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करके रखना कौन मदद करता है मियोसिस कौन मदद करता है मीओसिस मियोसिस मियोसिस ठीक है मियोसिस आएगा यहाँ पे तो मियोसिस फिर बाद में फर्टिलाइजेशन आंसर होगा बी माइटोसिस का इसमें कुछ लेना देना नहीं है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मियोसिस के बारे में मियोसिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटा ये वेरिएबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल में नहीं पूरी पॉपुलेशन में लाता है ये जो आपकी वेरिएबिलिटी है ये किस में आती है पॉपुलेशन में आती है इंडिविजुअल में नहीं डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं ये भी गलत हो जाएगा रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय वन फोर्थ नहीं हाफ हाफ ही करता है वन फोर्थ नहीं करता इसका इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन में इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल है आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी और यहाँ पर आपने अपना सेल साइकिल एंड सेल डिविजन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया कंप्लीट हो गया एक और चैप्टर हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स इस यूनिट का पढ़ा है फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सेल साइकिल एंड सेल डिविजन डन सेल पूरा चैप्टर आपने कर लिया और अपने मार्क्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताने रिचुअल आपने फॉलो करना है अगले चैप्टर में मिलेंगे बायोमोलिक्युल्स रिवाइज कर लेंगे फिर ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर लेंगे ठीक है तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और इस बार नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एकदम फोड़ना है हम लोगों ने है ना ओके टेक केयर बाय बाय